राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका संतोष क्रिएटिव गार्डन में। आज आपके साथ में जो मधुकामिनी का प्लांट है उसी की केयर और फर्टिलाइज़र शेयर कर रही हूँ, ताकि हमें जो है अभी इसका सीज़न स्टार्ट होने वाला है तो इसमें हमें ढेरों फ्लावर्स मिलने के साथ साथ जो इसकी ग्रोथ है वो भी बहुत अच्छे से निकल के आए। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि इसकी चारों तरफ से बहुत अच्छी, मैंने इसकी थोड़े दिन पहले जो है वो प्रूनिंग की थी, तो अभी जो इसका थोड़ा सा शेप मैं डेवलप करना चाहती थी, कुछ अलग सा हो रहा था तो थोड़ी प्रूनिंग की थी, और प्रूनिंग के बाद में जो है न्यू ग्रोथ आपको दिखाई दे रही है कि ये हर जगह से जो इसकी न्यू ग्रोथ है वो स्टार्ट हो चुकी है। इसके साथ ही साथ ये देखिए फ्लावर बर्ड्स भी बन रही है, लेकिन अभी तक मैंने इसको फर्टिलाइज़ नहीं किया है। जो पहले का इसका था फर्टिलाइज़र उसी के अकॉर्डिंग ही चल रहा है प्लांट, तो अभी हम आज इसे फर्टिलाइज़ करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले जो हमें है वो गुड़ाई करनी है। इसमें अगर आपका प्लांट जो साल भर से अगर पुराना प्लांट है तो आप उस प्लांट को रिपोर्ट कर दीजिए, क्योंकि इसके अंदर जो रूट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बन जाती है और जो प्लांट है वो रूट बाउंड हो जाता है। तो आप अगर लगभग साल भर पुराना आपका प्लांट है तो इस वक्त आप इस प्लांट को रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरा प्लांट साल भर पुराना नहीं है और अभी इसको रिपोर्ट करने का टाइम नहीं हुआ है, तो मैं इसे रिपोर्ट नहीं करूँगी। मैं सबसे पहले इस प्लांट की बहुत अच्छे से गुड़ाई करूँगी। देखिए पूरी आप डीपली इसकी जो है गुड़ाई कर दीजिए। गुड़ाई करने के लिए आप हमेशा जो पॉट की वॉल है उसके आसपास से ही गुड़ाई कीजिए, बिल्कुल मिड में मत कीजिए, वरना इसकी जो रूट्स है, मेन जो रूट्स होती है वो हार्म हो जाएगी और उससे जो हमारा जो प्लांट्स है वो ख़राब हो सकता है। कभी कभी होते हैं कुछ ऐसे रीजन जिनकी वजह से प्लांट ख़राब हो जाता है और हमें पता नहीं चलता है, और हम यही सोचते हैं कि हमारे प्लांट को क्या हुआ है, वो ख़राब क्यों हो गया है, क्या कारण है ये। तो मैंने इसकी अच्छे से गुड़ाई कर दी है। मिट्टी आप देख ही सकते हैं कि बिल्कुल वेल ड्रेन और एकदम सॉफ्ट मिट्टी है। अब मैं इसकी जो पूरी मिट्टी को है वो मिड में कर दूंगी, क्योंकि जो फर्टिलाइज़र हम फीड करेंगे वो हम इसकी वॉल के पास में फीड करेंगे। धीरे धीरे वो स्लोली रिलीज होते रहेंगे और जो हैं वो इसकी रूट्स के थ्रू इस प्लांट को मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले मैंने जो मिट्टी है इस तरीके से मिड में कर दी है। अब उसके बाद जो मैं सबसे पहले इसको फर्टिलाइज करने वाली हूँ, थोड़ा फ्लावर्स प्लांट है, हाई नाइट्रोजन जो इस प्लांट को चाहिए, तो उसके लिए मैं एक मुट्ठी के लगभग, क्योंकि मेरा छोटा ही प्लांट है तो एक मुट्ठी के लगभग जो मैं इसे फीड करूँगी वर्मी कंपोस्ट फीड करूँगी, और इसे हम चारों तरफ प्लांट के डाल देंगे। ये देखिए जो वर्मी कंपोस्ट है उसमें हाई नाइट्रोजन होता है, जो कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, ग्रीनरी के लिए, लीव्स के लिए, सभी चीज़ों के लिए बहुत ही बेस्ट चीज़ होती है। दूसरा जो मैं फर्टिलाइज़र फीड करूंगी वो मस्टर्ड के एक फर्टिलाइज़र है। इसका पाउडर जो है वो लगभग एक चम्मच पूरा भी नहीं है, थोड़ा सा कम है उससे। आप अपने पोट की साइज के अकॉर्डिंग जो है वो आप एक चम्मच के लगभग फीड कर सकते हैं। देखिए बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र भी हमारे प्लांट्स के लिए हार्मफुल होते हैं, और अगर हम कम फर्टिलाइज़र देते हैं तो वो भी अच्छे से इफ़ेक्ट नहीं करते हैं। तो मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र है वो मिट्टी को जो है एसिटिक भी बनाता है, और इसके अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं जो कि प्लांट्स के लिए बहुत ही बेस्ट होते हैं। अब उसके बाद जो तीसरा है फॉस्फरस के लिए जो मैं फीड करने वाली हूँ वो बोन मील लगभग आधा चम्मच, क्योंकि मेरा पोट और प्लांट दोनों ही बहुत छोटे हैं तो मैं बहुत ज़्यादा इनको फीड नहीं करूँगी। लगभग आधा चम्मच मैं बोन मील इसको फीड कर दूँगी। ये तीनों फर्टिलाइज़र फीड करने के बाद में मिट्टी को है हम वापस पहले की तरह कर देंगे पोट में, और उसके बाद हम इसे एक बार पानी पिलाएंगे प्लांट को अच्छे से। उसके बाद में आप अभी इसे 2 से 3 दिनों के लिए सेमी शेड में रखिए, उसके बाद इसे उस जगह पे रखिए जहाँ इसको अच्छी धूप मिले, क्योंकि जो मधुकामिनी का प्लांट है वो जब इसको धूप बहुत अच्छी मिलती है तो ये जो प्लांट है बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है, इसकी जो फ्लावर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डेवलप होते हैं। तो आपको ये करना है, ये देखिए इसके अंदर कुछ जो पुराने थे उसके, ये देखिए इस तरीके से इसमें बीज भी बने हैं, शायद ये बीज ही हैं इसके, और इससे भी देखते हैं कि ये ग्रो होता है या नहीं। ये देखिए ये अलग अलग जगह आपको इसके बीज मिल जाएंगे, और मेरे प्लांट्स पे ये काफ़ी सारे लगे हुए हैं। इसमें आपको 2 से 3 वैरायटी मिल जाएगी। इसमें एक बड़े पत्तों की भी आती है, ये मीडियम है, और एक इसमें और छोटी आती है, वो टेबल टॉप कामिनी होती है, बहुत ही छोटी छोटी सी उसकी लीव्स होती है, वो बहुत खूबसूरत होता है। वो थोड़ी कॉस्टली आती है, आपको 300 350 के लगभग वो मिल जाएगी, लेकिन गर्मियों के लिए
परमानेंट बहुत ही बेहतरीन प्लांट है फ्लावर्स के लिए। ढेरों फ्लावर्स जब एक साथ इसमें खिलते हैं तो वाइट कलर ग्रीन के साथ में बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो अभी भी आपने अगर अपने प्लांट को नहीं फर्टिलाइज़ किया है तो अभी फर्टिलाइज़ कर सकते हैं और फिर उसके बाद उसका रिजल्ट देखिए। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर किसी और दिन किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।